फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने ज्योति नगर थाना क्षेत्र के लोनी गोल चक्कर के पास दो बदमाशों से हुई मुठभेड़, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। शनिवार के तड़के सुबह 2 बजे ज्योति नगर थाना क्षेत्र के लोनी गोल चक्कर के पास अम्बेडकर कॉलेज की और सर्विस रोड पर मुठभेड़ हुई थी। एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, वहीं एमएस पार्क का एक आरोपी इसमें बीसी है, जिसपे कई आपराधिक मामले शामिल हैं। वहीं दूसरा आरोपी ज्योति नगर थाने के अंदर 308 आईपीसी के तहत एक वांछित है। इन दोनों आरोपियों के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 CMP+ 1 लाइव राउंड, 2 खाली कारतूस और बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान, पहला शक्ति उर्फ सोनू पुत्र अनुपम सिंह निवासी ज्वालानगर का है, इसकी उम्र 36 वर्ष है। इस पर मान सरोवर थाने के अंदर 18 आपराधिक मामले शामिल हैं। दूसरा सचिन पुत्र राजू निवासी अशोक नगर का है, इसकी उम्र 24 वर्ष है। इस पर पहले भी 4 मामले दर्ज हैं, पुलिस जांच कर रही है, जहां पुलिस का कहना है कि इसमें आगे और जानकारी दी जाएगी। कल थाना ज्योति नगर के अशोक नगर एरिया में सुबह 4-5 बजे के लगभग 2 आर्म्ड रॉबरी रिपोर्ट की। जो आर्म्ड रॉबरी वहां रिपोर्ट हुई, उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार थे और सुबह दूध वाले और सब्जी वाले जैसे सुबह मेहनत करने वाले लोगों के साथ उनकी उन्होंने गन दिखाकर हिट करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाद में जब पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी और पूछताछ में लगी, तो पूरे दिन की मेहनत में यह तो निकल कर आ गया था कि दोनों मोटरसाइकिल सवार दोनों मामलों में मोडस ऑपरेंडी सेम है और पूरे दिन की जो गैन पूछताछ रही या फिर विक्टिम्स के द्वारा जो आइडेंटिफाई कराने का जो काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स लिस्टेड क्रिमिनल्स आसपास के दिखाए गए, उससे बात जाहिर हो गई थी कि वो कुछ लोगों को उन्होंने ये बताया कि हो सकते हैं। ऐसे में इंटेंसिव चेकिंग और सर्विलांस का काम पूरे दिन जारी रहा। फेस्टिव सीजन के दौरान जैसा कि सभी जानते हैं कि ऐसे इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये वारदात और हो सकती है, ये एक्सरसाइज कंटिन्यूड थी और थाना स्टाफ के साथ साथ इसीलिए स्पेशल विंग्स को भी रोपिंग कर दिया गया और स्पेशल विंग्स को रात को 2 बजे के लगभग ऐसे मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिए और जब उन्हें वार्न किया, चेज करने लगे, तो वो अपनी मोटरसाइकिल से भागने के प्रयास में मोटरसाइकिल स्किड की उनकी और साथ ही में उन्होंने फायर भी पुलिस टीम की तरफ खोला, जो जाकर जिप्सी पे भी लगा। ऐसे में पुलिस टीम का जो हमारे स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर हरीश, उन्होंने अपने पुलिस टीम के बचाव में रिटेलिएट किया, इसमें एक को गोली लगी और दूसरा जो साथी है उसका वो भाग रहा था, कांस्टेबल जगदीश ने दूसरे साथियों की मदद से उसे ओवरपावर किया। बाद में ये पता लगा कि यह शक्ति सिंह और सोनू और मेंटल थाना एमएस पार्क का लिस्टेड क्रिमिनल है, बीसी है, 18 आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है और ज्योति नगर थाने के ऑलरेडी 2 मुकदमों में वांटेड भी चल रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले ही जो सब इंस्पेक्टर सुभाष के साथ मारपीट की घटना हुई थी, वो इसी सोनू मेंटल ने अंजाम दिया था। डेस्परेट क्रिमिनल है और उसके जो दूसरा साथी रहा सचिन अलियास राजू, वो भी 4 आपराधिक मुकदमे उस पर हैं। जो रिकवरी हुई वो सोफिस्टिकेटेड जो पिस्टल और 2 लाइव कार्ट्रिजेस, राजू के साथ एक कंट्रीमेड पिस्टल और लाइव कार्ट्रिजेस और जो मोटरसाइकिल ये लोग अपने साथ रखे थे, ये थाना करावल नगर से हाल ही में चोरी गई। इस क्रिमिनल ने जो पिछले 3-4 दिन पहले पुलिस स्टाफ पर अटैक किया और आज जिस तरह से रॉबरी, जो कल की सुबह जो आर्म रॉबरी रिपोर्ट हुई, उसके अलावा भी इसने काफ़ी सारे